स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप स्टूडेंट आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम होंगे स्टूडेंट सितंबर में हो सकते हैं आपके, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं और अगस्त के एंड तक उनके खत्म होने के बाद ही आपकी डेट शीट आ जाएगी, यानी कि सितंबर में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टडी के टच से जुड़े रहिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज मैं करवा रही हूँ आपको कंटेम्पररी केजे एंड एजुकेशन का, जो हमारी फोर्थ यूनिट मैंने स्टार्ट करवा रखी है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, यानी कि तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट क्या होता है? सशक्त करना, सुदृढ़, यानी किसी चीज को मजबूत बनाना, मजबूती से होता है सुदृढ़ करना, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन जैसे कि शिक्षा, तो शिक्षा जो किस धातु से बनी है? शिक्ष धातु से बनी है। तो शिक्ष का मतलब हम क्या कहते हैं कि नए नए ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि एजुकेशन जो है इको और डुको से बनी है। डुको का मतलब होता है एजुकेटर से बनी है, जिसका मतलब होता है नए नए ज्ञान की प्राप्ति, अपनी अक्षमताओं को, बच्चे के अंदर से अक्षमताओं को बाहर निकालकर उसको नया रूप देना। एजुकेशन का जो अक्षेत्र है स्टूडेंट काफी ब्रॉड है, इसको हम टू टाइप्स में ले सकते हैं, जैसे इसका ब्रॉड मीनिंग एंड नैरो मीनिंग। ब्रॉड में क्या है कि शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति से हम कुछ भी सीख सकते हैं, राह चलते व्यक्ति से भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है अगर हम सीखना चाहते हैं। लेकिन नैरो माइंडेड में शिक्षा का अर्थ क्या लेते हैं कि जो शिक्षा है सिर्फ एक औपचारिक शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है जो विद्यालयों में दी जाती है, इसका एक टाइम लिमिटेशन, एक टाइम पीरियड होता है, और उसके एजुकेशन लेने के बाद बच्चे को डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। एंड देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, नई नई तकनीक, नए नए तरीके, नई नई तकनीक उत्पन्न करना, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को और अधिक बेहतर ढंग से पेश कर सकते हैं और अधिक बेहतर बना सकते हैं। जैसे मान लो हम खेती की बात लगा लो, अब खेती क्या थी, पहले किसान जो थे सिर्फ हल वगैरह से ही करते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, उसके बाद नई नई मशीनी आ गई, जिसके कारण मनुष्य के हाथ से कुछ भी नहीं करना पड़ता, बल्कि मशीनी युग आ गया, तो मशीनों से ही सारी कटाई बुदाई जो भी है मशीनों के द्वारा हो जाती है। इसी तरह ही एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि एजुकेशन में ऐसे नए नए तरीके उत्पन्न करना ताकि हम एजुकेशन को और अधिक बेहतर ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके, उनको अच्छी तरह समझा सिखा सके, जिसके कारण उनके अंदर जो भी उनकी छिपी हुई क्षमताएं हैं, उनकी रुचियां हैं, उस चीज को हम बाहर निकाल सके। और जो बच्चे हैं जब वो एजुकेशन लेते हैं स्कूलों में, तो करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को बोझ ना समझकर अच्छे तरीके से ले, इंटरेस्टिंग मेथड से ले। तो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग मेथड अप्लाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी का। देखते हैं इसका मीनिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू जॉन लीडहम के अनुसार, जॉन लीडहम ने क्या कहा है कि शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियां और प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा तकनीकीकरण कहलाता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल कहलाता है। यानी कि शिक्षण टीचिंग में और लर्निंग प्रोसेस में जब हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं या मॉडर्न स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जब उसका प्रयोग किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, एक होती है विधि मेथड और एक होती है प्रविधि। तो विधि क्या होती है कि किसी भी चीज को हम विधि से करते हैं, तो तौर तरीके से करते हैं, लेकिन प्रविधि जब किसी के आगे प्र लग जाता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है, विशेषता आ जाती है। मान लो हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए एक तो सिंपल हम विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाते हैं कि पानी रखा, उसके अंदर चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, एंड देन उबाल आने के बाद उसमें दूध डाल दिया, तो चाय तैयार है। अब जब हम स्पेशल प्रविधि का प्रयोग करेंगे तो वो कैसे, यानी कि हम पानी रखने के बाद उसमें लौंग, इलायची, मसाले जो भी हैं अच्छी तरीके से वो डालेंगे, फिर अच्छी तरह उबाल आएगा, फिर सेकंड टाइम उबाल आएगा, फिर उसके बाद चाय तैयार होगी। यानी कि प्रविधि क्या होती है? कोई स्पेशल चीज यूज करना। ऐसे ही एजुकेशन में जब हम कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसे प्रविधि कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट। ऑफिस अकॉर्डिंग टू ऑफिस ने क्या कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल है वो साइंस और आर्ट का प्रयोग है,
कला और विज्ञान का। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव यानी मेन उद्देश्य क्या है। इंटरेस्टिंग टीचिंग यानी किसी भी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के ही इसका मेन पर्पज है, क्योंकि इसमें क्या है ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तकनीक से बच्चों को पढ़ाते समझाते सिखाते हैं। इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस, जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग यानी कि जो लर्नर्स को हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं लर्निंग प्रोसेस के द्वारा, इसको इम्प्रूव करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इम्प्रूव कैसे, वही है कि बच्चे के अंदर जो भी उसकी इंटरेस्टिंग है, रुचियां है, उसकी अक्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग ही बच्चे को सिखाना। फैसिलिटेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एडवांस लर्निंग मटेरियल, यानी जो भी हम लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं सिखाने के लिए, मटेरियल यूज करते हैं वो काफी एडवांस लेवल का यूज करते हैं। जैसे अब क्या है, बच्चों को अगर हम मैथ का काम करवाते हैं तो लैब में लेकर जाते हैं, उनको दिखाते हैं, उस चीज का प्रयोग करके दिखाते हैं। साइंस का ऐसे ही, साइंस का कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर लैब में लेकर जाते हैं, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चे को सिखाते हैं। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एक्सेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मौके दिए जाते हैं उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट डांस फील्ड में है या सिंगिंग में है तो वो उसको वैसा ही एनवायरमेंट तैयार करके वैसे ही टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है स्कूल में। इंडिपेंडेंट स्टडी यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे को स्टडी करवाई जाती है सीखने के लिए, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जाता, उनको इतने इंटरेस्टिंग मेथड से सिखाई जाती है कि जो बच्चा है अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाए। उसके बाद देखते हैं हम फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाकर उनको ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जो भी क्लास में टॉपिक करवाया जाता है उससे रिलेटेड ही उनको प्रयोग करके दिखाया जाता है। एक्टिव प्यूपल एंड टीचर यानी जो हमारे छात्र हैं और टीचर्स हैं, छात्र और अध्यापक दोनों ही एक्टिव होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। एक्टिव यानी ये नहीं है कि जो अध्यापक है एक पैसिव है, पैसिव मीन्स कि बिल्कुल ही अच्छे ढंग से काम नहीं करता, वो सुस्त है, सुस्त नहीं होता है। इसमें दोनों ही अध्यापक भी और बच्चा भी दोनों ही एक्टिवनेस यानी कि एक्टिव होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी अच्छी तकनीकों का यूज करके जो अपनी शिक्षा को है और भी इफेक्टिव बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं पता या इसमें से कुछ आपने ऐसा क्वेश्चन पुट कर दिया कि मुझे नहीं पता, तो क्या है आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं उसको गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके उस चीज का मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर बच्चों को करवा सकूंगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचिंग यानी कि ज्यादा से ज्यादा संप्रेषण शिक्षण, बच्चों और छात्र अध्यापिका और बच्चे के आपसी जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम उस चीज को प्रभाव पूर्वक बनाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, शिक्षा जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बुक में से दी जाती है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो टीचर है टीचिंग एड यूज करता है, टीचिंग मॉडल यूज करता है, बच्चों के सामने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अनुसार बच्चा और अधिक बेहतर ढंग से सीख सके। बेस ऑफ साइंस यानी कि साइंस का, विज्ञान का ये आधार है टेक्नोलॉजी, क्योंकि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें नित नए दिन, हर दिन नए नए प्रयोग होते हैं। तो उन्हीं प्रयोगों को अगर हम और अधिक लेकर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी की, नई नई तकनीकों की। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, हेल्प इन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट यानी कि हर चीज में इम्प्रूवमेंट, हर चीज में सुधार के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी भी चीज को बच्चे के अंदर जो भी उसका कोई डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, तो काफी हेल्प मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम यानी कि सिलेबस के, करिकुलम पाठ्यक्रम के विकास के लिए भी काफी हेल्प मिलती है इसकी, यानी करिकुलम में अगर हमें कोई टॉपिक अच्छी तरह समझ नहीं आता या फिर किताब में थोड़ा टफ दे रखा है, वही गूगल पर सर्च करके या नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चे को उस चीज को समझा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स और श्रव्य और दृश्य सामग्री का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, दृश्य यानी कि बच्चों को टीवी स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा अच्छी तरह से उस चीज को समझा सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
यानी कि जो टीचिंग लर्निंग हमारी प्रोसेस है उसको एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उसका। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए एनालाइज क्या होता है कि किसी भी चीज को हम टुकड़ों में डिवाइड करके, पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को समझाते हैं। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, इसका एक बेनिफिट क्या है कि अच्छे एडवांस लेवल पर अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी सहायक सिद्ध होती है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तकनीकी विकास के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, जब क्या रोल प्ले करती है। फर्स्ट है डेवलप क्रिएटिविटी, यानी जो सृजनात्मकता का विकास करने के लिए ही टेक्नोलॉजी जरूरत होती है। सृजनात्मक कि कई बच्चे होते हैं काफी क्रिएटिव होते हैं, तो उन बच्चों को अच्छी तरह से देखने के बाद हमें पता चलता है कि इनके अंदर वो क्रिएटिविटी का गुण है, तो उसको क्रिएटिविटी को और बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। एंड करेजेस टू मेक यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को और अधिक बेहतर ढंग से पेश करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी को उत्साहित करते हैं, ताकि जो शिक्षा को है और भी अधिक अच्छा बनाया जा सके। रिसर्च को एनकरेज करते हैं। डिवर्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि बच्चे के अंदर जो भी योग्यताएं हैं अक्षमताएं हैं उनका विकास करने के लिए। चेंज द थिंकिंग, बच्चों की थिंकिंग को चेंज करने के लिए। तो हम एग्जांपल लेकर बताते हैं कि जो दूसरी कंट्री में है ऐसे स्टडी करवाई जाती है काफी, जन की बच्चे के अंदर नैरो माइंड ना करके उसको ब्रॉड, उसके क्षेत्र को काफी ब्रॉड करते हैं। तो ये किसके द्वारा ही संभव है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। अब देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेन। तो इसके द्वारा क्या है, जो टीचर है हम उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षण देना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन अध्यापक लेकर आना, ताकि जो बच्चों को समझ सके, उनकी जो उनके अंदर क्षमता है उस क्षमता को पहचान सके और उन क्षमता को पहचान के उसका डेवलप कर सके। कंटेंट नॉलेज, यानी जो भी बच्चा, जो भी टीचर है जब स्टूडेंट के सामने कोई भी चीज को प्रस्तुत करता है, अपने टॉपिक को से रिलेटेड बताता है, तो सबसे पहले उसे जो उसका कंटेंट है, उसका कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो टीचर वो गूगल पे सर्च करेगा, कहीं से भी सर्च करके उस चीज का अच्छी तरह से मीनिंग क्लियर करके ये बच्चों के सामने आता है। अध्ययनशील वही है कि ज्यादा से ज्यादा जो टीचर है अध्ययन और अधिक अध्ययन गहनता से अध्ययन करते हैं उस चीज में। जब टीचर खुद डीपली नॉलेज लेता है तो उसको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कौन सी स्किल से सीखेगा, कौन से टीचिंग एड से सीखेगा, तो उसी हिसाब से वो क्लास का एनवायरमेंट तैयार करता है। वही बात आ गई कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल, यानी कि स्किल को डेवलप करना, एक टीचर की स्किल को और अधिक बेहतर बनाना किसके द्वारा संभव है, टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो इसकी सीमाएं कौन कौन सी है। भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र में योगदान सीमित, जो टेक्नोलॉजिकल है सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल देती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ज्ञान को और अधिक ज्ञान को ले सकते हैं, तो सिर्फ नॉलेज को ही क्रिएट करती है। इससे अदर जो भावात्मक क्रियाएं होती हैं या क्रियात्मक क्रियाएं हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, जो भी चीजें, उनमें इसका योगदान सीमित है, उन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे की थिंकिंग, अगर क्लास उसका एनवायरमेंट ऐसा है, उसके फैमिली का एनवायरमेंट ऐसा है कि पेरेंट्स जो है नैरो माइंडेड है, सोच सीमित है, तो अगर हम स्कूल में कोई भी अच्छा एनवायरमेंट तैयार कर ले या अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर ले, तब भी उसकी जो थिंकिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, तो वहां इसका प्रयोग क्या हो जाता है, सीमित। प्रारंभिक प्रयोग में अधिक खर्च, जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इसके लिए क्या है, खर्च करना पड़ता है अधिक, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे तो है नहीं कि बिना पैसे के हम कंप्यूटर का यूज करवा सकते हैं या स्मार्ट क्लासेस बना सकते हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो स्कूल के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का लेकर आए और बच्चों के सामने पेश करे उस चीज को, तो ये इसकी सीमा है। विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत, तो इसके लिए क्या है,
जब तक एक अध्यापक को ही नहीं पता कि इस टेक्नोलॉजी का यूज मैंने कैसे करना है। मानो प्रोजेक्टर आ गया, तो जब एक टीचर को प्रोजेक्टर का ये नहीं पता कि इसमें स्लाइड कैसे लगेंगी, इसको चलाना कैसे है, दूसरी स्लाइड में कैसे चेंज करूं, तो इसको कैसे बच्चों के सामने पेश करूं, तो वो क्या उस चीज का क्या फायदा। यानी इसके लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्ड अध्यापकों की जरूरत पड़ती है, जो कि इसकी लिमिटेशन है। प्रशिक्षण अध्यापकों की जरूरत नहीं होती, विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फीचर्स और इम्पोर्टेंस बताए हैं स्टूडेंट, ये मिक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस और फीचर्स एक ही चीज होती है। तो जो चीजें मैं बता रही हूँ इसे और अधिक बढ़ाकर लिखना है, कम नहीं लिखना, क्योंकि अगर एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम उस चीज को बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी सशक्तिकरण शिक्षा के लिए किया गया है, काफी एक शिक्षा को आगे ले जाने वाला कार्य है, जिससे जो शिक्षा में नई नई तकनीकों का प्रयोग होता है, नई नई तरीकों का प्रयोग होने के बाद हम शिक्षा को और अधिक बेहतरीन ढंग से पेश कर सकते हैं, जिसके कारण जो बच्चे के अंदर जो भी उनकी अक्षमताएं है उसको बाहर निकालकर उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। That's all स्टूडेंट। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपकी जो यूनिट वाइज जो आपका सिलेबस है कवर करवा सकूं। और लास्ट में इतना ही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।